हेलो फ्रेंड्स, ओम सजाए टू गैरेज। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त दत्त टेमकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा ये ओम सजाए टू गैरेज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक गंगापुर जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप है। इसकी हम आज सर्विसिंग करने वाले हैं। इसके सर्विसिंग में कौन कौन से काम किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ। उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और ऐसे ही स्प्रे पंप और बाइक रिपेयरिंग के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कार्बोरेटर और एयर फिल्टर क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से इसका ये कवर निकाल लेना है। उसके बाद एयर फिल्टर निकाल लेना है और उसके बाद ये 8 नंबर के दोनों नट ओपन करने हैं। उसके बाद ये कवर निकाल लेना है। ये दोनों पेट्रोल पाइप निकाल लेने हैं और उसके बाद ये कार्बोरेटर और एयर फिल्टर क्लीन कर लेना है। एयर फिल्टर भी पेट्रोल से अच्छा क्लीन कर लेना है और इस कवर को भी क्लीन कर लेना है। ये गैसकेट चेक कर लेनी है, कहीं फटी तो नहीं है। ये इस तरह से लगाना है। और उसके दोनों 8 नंबर के नट टाइट कर लेने हैं। उसके बाद ये दोनों पेट्रोल पाइप लगा लेने हैं और उसके बाद ये एयर पाइप भी लगा लेना है। उसके बाद ये एयर फिल्टर लगाना है और उसके बाद ये कवर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों, ये एचटीपी के चारों नट ओपन करके एचटीपी इंजन से अलग कर लेना है। उसके बाद ये क्लच रैचेट चेक कर लेने, कहीं ये इस जगह पर घिसे तो नहीं है वो हमें चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर ये घिसे हुए रहते तो हमें इसे चेंज कर लेना है। इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये अच्छे। उसके बाद दोस्तों, हमें इसका इंजन ऑयल चेंज कर लेना है। दोस्तों, इसमें 100 ml ऑयल डालना है। 2 व्हीलर का BW40 ऑयल डालना है। और उसके बाद दोस्तों, हमें एचटीपी का ऑयल भी चेंज करना है। इस एचटीपी में हमें BW40 150 ml ऑयल डालना है। और उसके बाद दोस्तों, हमें इस एचटीपी के वाल और वी पैकिंग चेक करनी है। उसके लिए पहले आउटलेट पाइप के चारों नट ओपन करके आउटलेट पाइप निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये वाल्व होते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये नीचे का इनलेट पाइप भी ओपन करना है। उसके चारों नट ओपन करके इनलेट पाइप निकालना है।
दोस्तों इसके वाल की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, इसके रबर भी ठीक है, कहीं पर कटे हुए नहीं है। इसके लिए मैं ये वाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, इसके स्प्रिंग या रबर कट जाती है, तो हमें इसे चेंज करना है। दोस्तों इन दोनों ब्रश के अंदर दो दो वी पैकिंग होती है, वो हमें उस टाइम चेंज करनी है जब ये स्प्रे पंप ज़्यादा पुराना हो या ज़्यादा दिन से बंद हो। ज़्यादा दिन स्प्रे पंप बंद होने के कारण इसके अंदर की वी पैकिंग खराब हो जाती है, लूज हो जाती है और यहाँ से पानी लीकेज होता है। वो हमें ऐसे टाइम चेंज करनी है जब स्प्रे पंप बहुत ही पुराना हो। दोस्तों ये स्प्रे पंप बिल्कुल फ्रेश है और नया है, इसके लिए मैं इसके अंदर की वी पैकिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब हम इसकी फिटिंग कर देते हैं। ये चारों वाल्व हमें इस प्रकार लगाने हैं। यहाँ पर ये एक इस टाइप, यहाँ पर ये एक लगाना है और ऊपर से यहाँ पर ये एक लगाना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें ये वॉल इसमें लगाने हैं। उसके बाद ये इनलेट पाइप इस तरह से लगाना है, उसके चारों नट टाइट कर लेने। उसके बाद दोस्तों ये आउटलेट पाइप इस तरह से लगाना है, ये भी चारों नट लगाकर नट टाइट कर लेने। उसके बाद दोस्तों हमें ये दोनों ग्रीस कप ओपन करने। इन दोनों ग्रीस कप में हमें ग्रीस भर लेना है। और उसके बाद ग्रीस कप टाइट कर लेने। दोस्तों उसके बाद ये एसटीपी इंजन से अटैच कर लेना है और उसके चारों नट टाइट कर लेने। दोस्तों इसके साथ ही इस स्प्रे पंप की सर्विसिंग हो चुकी है। इस तरह से आप स्प्रे पंप की सर्विसिंग कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।